आप देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करना संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित करा दिया गया। इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी। विधेयक में कहा गया है कि अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम है और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी और पंजीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। संसद की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा और ये पूछा है कि पंजीकरण की क्या आवश्यकता है और बिल का उद्देश्य क्या है। बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या विधानसभा हमें सर्वसम्मति से बाल विवाह की अनुमति देती है। ये विधेयक विधानसभा के इतिहास में काला अध्याय लिखेगा। वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस की ओर से पारित किया गया ये संशोधन विधेयक हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। हिंदुओं में नाबालिग को शादी गैर कानूनी मानी जाती है और ऐसे में कांग्रेस इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। जवाब में राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस विधेयक का मकसद हर विवाहित, चाहे वो बाल विवाह ही क्यों नहीं हो, सभी विवाहों को पंजीयन कराना होगा। उन्होंने कहा कि संशोधन कहीं नहीं चाहता है और नहीं कहता है कि बाल विवाह वैध होंगे। कलेक्टर या डीएम चाहे तो उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। ये विधेयक केंद्रीय कानून का विरोधाभास नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। दरअसल भारत में बाल विवाह सदियों से प्रचलित है और ये किसी धर्म विशेष से नहीं होकर सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है, या यूं कहे कि कुप्रथा है। वर्तमान में समय अगर हम देखें, इस समय में ये प्रथा ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है। बाल विवाह से तात्पर्य यह है कि उस विवाह से है जब वर के लिए 21 साल और वधु के लिए 18 साल की उम्र निर्धारित है। यदि कोई भी व्यक्ति इस निर्धारित उम्र से कम उम्र में शादी करता है तो उसे बाल विवाह करार दिया जाएगा। बाल विवाह मुख्यतः परिवार द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अधीन होते हैं जहां पर सहमति का कोई स्थान नहीं होता है, किंतु सहमति से किया गया बाल विवाह भी कानूनी रूप से वैध नहीं है। वर्तमान समय में बाल विवाह को किसी भी एक व्यक्ति द्वारा शून्य या शून्यकरण घोषित करवाया जा सकता है। हरबिलास शारदा ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बाल विवाह के रोकथाम के लिए बिल प्रस्तावित किया था। शारदा ने इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य बाल विधवा को रोकना बताया था, क्योंकि विधवा विवाह समाज में अनुमत नहीं था। आगे जाकर ये बिल बाल विवाह की रोकथाम अधिनियम कहलाया। दरअसल इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय की कर दी गई थी। लड़की की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई। 1978 में विवाह के लिए न्यूनतम आयु को बदल दिया गया और लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए शादी की उम्र 18 साल कर दी गई थी। तो ऐसे में अब इस पर विवाद ज्यादा गहराता जा रहा है कि आखिर सरकार क्या कम उम्र में शादी करने वालों को मान्यता दे रही है इस विधेयक के प्रस्तावित होने के साथ ही। सवाल कही है और इसका जवाब दरअसल आज हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार की क्या मंशा है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कराया गया। इस विधेयक के पारित होने से अब राज्य में बाल विवाह के पंजीकरण की भी अनुमति मिल जाएगी। तो क्या इसके साथ ही ये मान लिया जाए कि राजस्थान सरकार ने अब बाल विवाह को अनुमति दे दी है, या ये कहा जाए कि अब बाल विवाह गैर कानूनी नहीं है। अगर शादी के समय लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो माता पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के अंदर ही इसकी जानकारी देनी होगी। पंजीकरण अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सवाल पूछते हुए इस सवाल को उठाया है कि पंजीकरण की क्या आवश्यकता है।
डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी हैं, लीडर हैं बीजेपी के। हमारे साथ इस वक्त विजय कौशिक जी हैं, लीडर है कांग्रेस के। साथ ही साथ योगिता भयाना जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। सबसे पहला सवाल मेरा हिमांशु जी आपसे ही है, क्या वजह है सर कि इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है? सरकार ने ध्वनिमत से इसे पारित करा लिया, लेकिन आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अब क्या क्या दिक्कतें आने वाली है? देखिए, वजह तो सरकार को विधानसभा में बतानी चाहिए थी कि वजह क्या है और किस कारण से इस विधेयक को लाया जा रहा है। अगर आप इस विधेयक का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन आर नथिंग बट रिकैपिटुलेशन ऑफ द प्रोविजन विच दे वॉन्ट टू ब्रॉट इन। तो परिस्थिति यह है कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा वहां पे, आपने केवल जो प्रोविजन जिसमें अमेंडमेंट करा रहे हो उनको कॉपी पेस्ट कर दिया। तो वजह पहली बात तो सरकार को बतानी चाहिए थी, सरकार पूरे एक्ट के अंदर अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन में ये बताने में कामयाब नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब ये पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पे लिखा था कि बाल विवाह पर प्रतिबंध के कानूनों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इन्होंने उस पे सख्ती से पालन करवाना, तो दूसरी बात है इन्होंने क्या किया, बाल विवाह को प्रोत्साहित करवाने वाला एक कानून ये सदन में लेकर आए और उसको ध्वनिमत से पास किया। आज राजस्थान में ये स्थिति है कि आप सोचिए, मुझे शर्म आती है कि एक ऐसी सरकार सत्ता में है जो बाल विवाह को वैधानिक दर्जा देने का प्रयास कर रही है। बहुत अफसोस की स्थिति है। दूसरी बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, ये मेरे हिसाब से भारत में पहली स्थिति होगी जब किसी क्राइम को सरकार खुले हाथों से एक्सेप्ट कर रही है, उसका स्वागत कर रही है और उसको रजिस्टर कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है विजय कौशिक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ये जो चीजें चल रही है इससे ये ना कहा जाए कि सरकार के जरिए कहीं ना कहीं बाल विवाह को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है। चलिए विजय जी से संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। योगिता जी, इस विधेयक के पारित होने से क्या आपको लगता है किस तरह का बदलाव होगा और क्या आप इसको पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं या फिर नेगेटिव नजरिए से? देखिए, अभी तक तो मुझे इनका लॉजिक ही क्लियर नहीं लग रहा है कि इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है तो उन्होंने क्या सोच के, क्या रिसर्च है, क्या उन्होंने कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट पेश किया, क्या उन्होंने कोई आंकड़े बताए या उन्होंने कोई लॉजिक बताया कि हाँ ये करने से इसका ये इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कम्युनिकेशन इशू है, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ सोचा होगा, पर उसका रेपुटेशन इनको भी मालूम है कि डेफिनेटली ये चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करेगा। राजस्थान में मैं खुद भी काम कर चुकी हूँ और मुझे मालूम है कि 5 साल से लेके अब बच्चे ऑलमोस्ट एक शादी कर देते हैं वो लोग, और वहाँ ट्राइब्स बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर एक्टिव रहते हैं। काफी सारे एनजीओस भी इस पे काफी लगातार काम कर रहे हैं। पर देखिए, एक किसी भी सामाजिक मुद्दे को अगर इतने कानून में उन्होंने बदलाव किया है, वो भी इतने कम समय में और ऑपोजिशन के खिलाफ जाकर, और कुछ इतना पैशनेटली मैं इसको बोलूंगी किया है, तो उनको लॉजिक भी उतना ही पैशनेटली क्लियर करना चाहिए ना। क्योंकि अगर लेमन एज अ सामाजिक कार्यकर्ता मैं समझू या कोई भी समझो, ऑपोजिशन वाले भी समझेंगे तो आप भी समझेंगी, तो ये लगेगा कि ये चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहा है और करेगा। पर अगर ये कोई लॉजिक दे रहे हैं जो अभी हम लोगों की समझ के बाहर है, हो सकता है हम भी उस पर डेलिब्रेट करें, हम भी सोचें कि हाँ नहीं, इसका ये फायदा हो सकता है। क्योंकि एक मुद्दा ये भी उठता है कि जो, क्योंकि राजस्थान का सोशल फैब्रिक है, चाइल्ड मैरिजेस वहाँ होते हैं पर उनकी मान्यता नहीं होती है, और कल को अगर जो वो बच्चे जो जिन्होंने शादी की थी वो एडल्ट हो जाते हैं या 30s में पहुंच जाते हैं, 40s में पहुंच जाते हैं, वो फिर भी शादीशुदा है, तो उनकी शादी अभी भी मान्यता नहीं है। तो यहाँ एक चैलेंजेस मैंने देखा है, ये सारे चैलेंजेस मैंने देखे हैं। पर हिमांशु जी, इस बात का जिक्र अभी योगिता जी कर रही है, क्या अगर क्लेरिफिकेशन देते तो आप लोगों को कोई आपत्ति होती क्या? सरकार की तरफ से अगर क्लेरिफिकेशन मिलता तो इस विषय पर कोई आपत्ति होती? देखिए, क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए कोई भी लॉ
और उस लॉ को लाने के लिए आप कोई भी वैलिड क्लैरिफिकेशन दे ही नहीं सकते, वो संभव ही नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, क्या आज की स्थिति में राजस्थान सरकार दो तरीके के विज्ञापन निकालेगी क्या? एक तरफ ये लिखेगी कि बाल विवाह निषेध है और दूसरी तरफ ये लिखेगी कि बाल विवाह को रजिस्टर कराइए? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो अमेंडेड प्रोविजन है ये बेसिकली जो मूल है आया था 2009 में, आप उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि ये एक्ट क्यों आया है, टू इरेडिकेट चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए आया है। तो मूल एक्ट जो है वो तो चाइल्ड विवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया, उसमें संशोधन जो है वो चाइल्ड मैरिज को या बाल विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, किसी भी प्रकार का क्लैरिफिकेशन यहाँ पर काम नहीं कर सकता। मैं क्लैरिफिकेशन की बात नहीं करी थी नेहा जी, मैं ये चाह रही थी कि उन्होंने क्या रिसर्च किया, हम तो जानना चाह रहे हैं ना कि उनका दिमाग। चलिए विजय जी से पूछ लेते हैं विजय जी से। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो ये विधेयक पारित किया गया है, सवाल इस बात को लेकर है कि आपका क्या विजन है? पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए, सरकार क्या विजन के साथ ही सरकार ने ये फैसला लिया है, इस विधेयक को लेकर आई है, ध्वनिमत से पास करा दिया गया है। और सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या इस विधेयक के पारित होने के साथ ही, पंजीकरण कराने की बात कहने के साथ ही, क्या बाल विवाह को प्रोत्साहित करने की तरफ सरकार ने कदम नहीं बढ़ाया? जी विजय जी, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह जैसी कुरीतियों को बढ़ावा देने की बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। अब राजस्थान सरकार ने क्या डिसीजन लिया है और इसमें क्या नियम बनाए गए हैं, इनकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद में इस बात पर चर्चा भी होगी, और अगर ये निर्णय गलत हुआ है तो इसको बदला जाएगा। इतने सारे जरूरी आपके चैनल पे बात कही है कि अगर ये निर्णय गलत हुआ है तो इसको बदला जाएगा, पहली बात। और इन्होंने समीक्षा की बात कही है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है कि अगर ये सरकार का स्टेटमेंट है तो मेरे को लगता है इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती कि सरकार इसकी समीक्षा करने को तैयार है। समीक्षा बाद में होती है। ठीक है विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार अगर कोई कदम उठाती है या कोई विधेयक बनाती है तो क्या उस पर गहनता से जांच नहीं की जाती, क्या उस पर गहनता से विचार विश्लेषण नहीं किया जाता कि इसका क्या प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर भी है, क्या बिना सोच समझ के ही इस तरह का कोई विधेयक बना दिया जाता है, उसको पारित कर दिया जाता है और ध्वनिमत के साथ उसको पास करा लिया जाता है? विजय जी, नहीं देखो, मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ। राज्य स्तर पर कोई कानून या कोई सिस्टम बनाया जाता है तो जनता की मांग पर बनाया जाता है, जनता की समस्याएं दूर करने के लिए बनाया जाता है, लोगों से सलाह मशवरा करके कोई चीज तैयार की जाती है, उसके बाद में वो पटल पर रखी जाती है। विजय जी, एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनावों में, राजस्थान के चुनाव में, बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने का, क्या सरकार का ये कदम इस कुप्रथा को खत्म करेगा क्या या बढ़ावा देगा? नहीं, मैंने आपसे क्या कहा, सारे नियमों की जानकारी लेकर पार्टी स्तर पर इसकी समीक्षा करके निश्चित तौर पर अगर ये समाज के हित में है तो ये कानून प्रभावी रहेगा, नहीं तो इसे खत्म कराने के लिए पार्टी हाईकमान राजस्थान सरकार को निर्देश दे देगी। ठीक है, कोई भी ऐसा टीम है, मैं ये बात रखना चाहूंगा, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस के विधायक दल में कई सामंजस्य की दिक्कत है। अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि इसका अध्ययन अब किया जाएगा और उसके बाद सरकार को निर्देश दिए जाएंगे तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और पहली बात इनको ये सारे काम पहले करने चाहिए थे। और जहाँ तक ये बात है कोई समाज की राय लेकर बनाया जाता है कानून तो, और कोई ना कोई इन्होंने फीडबैक लिए, तो मैं पूछना चाहूंगा, 3 दिन पहले तो समाज के अंदर इस बात का लोगों को ही नहीं पता था, ये अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिख के आते कि सब चाइल्ड मैरिज जो है उसको बढ़ावा देंगे हम अगर चुनाव जीतते हैं। मैं बताता इनकी क्या हालत हो जाती, और आज आप ये लिख के रख लीजिए, इनके जितने भी विधायक जयपुर में बैठे हैं ना, इस तरीके का कानून बना रहे हैं तो उनको अपना एड्रेस बदल लेने चाहिए। अगले विधानसभा चुनाव के बाद उनके जितने भी पत्र आएंगे वो यहाँ से बेरंग लौटेंगे, उनको अपने घरों में बैठना पड़ेगा। हमारी महिला, हमारी बहनें, हमारे बेटियां जो है वो इनको इनके घर पे बैठाने का काम करेंगी। योगिता जी, विजय कौशिक की बातों से आपको क्या लगा कि सरकार ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है, बिना सोच समझ के ये फैसला ले लिया है, क्या आपको लग रहा है इनकी बातों से कि अब जो एक कदम उठाया था वो बैकफुट पर आने की कोशिशों में है?
बिल्कुल, मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है क्योंकि हम इतने इतने गंभीर मुद्दे लेके सरकारों के पास जाते हैं। मैं राजस्थान मुख्यमंत्री जी से भी मिली, पिछले साल की बात है, कोविड से थोड़ा पहले, जो कि रेप्स बढ़ रहे हैं राजस्थान में, मैं उसको लेके भी उनको मैंने काफी सारे सुझाव दिए, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं और ये तो फॉरवर्ड जाने के बजाय ये तो बैकवर्ड जा रहे हैं, ये तो उल्टा चल रहे हैं, ये तो बढ़ावा देने की बातें हैं। मैं फिर भी उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने किया है तो मुझे बस लॉजिक समझ में आ जाए एक बार, तो ये लॉजिक देने के लिए भी तो प्लेटफॉर्म हो। अगर ये कह रहे हैं अब हम डिस्कशन करेंगे, अब कितना समय इन्होंने वेस्ट किया, इतना इम्पोर्टेंट सत्र होता है, हालांकि कोविड की वजह से सफर भी किया है, तो कितने सारे और मुद्दे हैं जिन पे ये चर्चा करके, कितने सारे कानून बदलवाने की जरूरत है, क्यों इन्होंने इसको चुना, क्या इन्होंने इस पे रिसर्च की, क्या इनका विजन है, मुझे ये तीन सवालों के जवाब चाहिए। मुझे जब तक ये तीन सवालों के जवाब नहीं मिलते, मुझे लगता है कि इनसे कुछ पूछना भी बेकार, इनको इसके ऊपर टिप्पणी करना बेकार है, क्योंकि इट इज वेरी रिग्रेसिव। बहुत ही दुख होता है जब ऐसी ऐसी चीजें सुनते हैं, क्योंकि कितना काम होने की जरूरत है। ठीक है विजय जी, जल्दी से अपनी बातों को रखिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी। देखिए दो चीजें, एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व है, दूसरी तरफ राज्य सरकार है। जिस तरह शराब की तस्करी और दूसरे कामों को रोकने के लिए सरकार कानून बनाती है कि उसको लीगलाइज कर दिया जाए जिससे कि तस्करी ना हो, लोग कच्ची शराब से ना मरे, हो सकता है इसमें राजस्थान सरकार का यही विजन हो कि भी बाल विवाह हो तो रहे हैं लेकिन उन पर रोक लगाने के लिए या कुछ सिस्टम बनाने के लिए उन्होंने कुछ किया हो, तो केंद्रीय नेतृत्व को पता चल रहा है, तो हम इन कानूनों की समीक्षा करके इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे गहलोत जी से। सर चीजों को ठीक करने की बजाय आप लोग कह रहे हैं कि अगर हो रहे हैं तो होने देते हैं, उनको लीगल कर देते हैं, ये कह रहे हैं। मैं इसका ये मतलब निकाल लूं क्या विजय जी? ना 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 ना, आप ये मतलब नहीं निकाल सकते। तो आप आपकी आपके वक्तव्य का मैं क्या मतलब निकाल लूं, स्पष्ट कर दीजिए सर। उसकी समीक्षा करेंगे कि अभी राजस्थान सरकार एक तरफ आप कह रहे हैं आप बाल विवाह की तुलना आप शराब से कर रहे हैं कि अगर शराब बिक रही है, कच्ची बिक रही है, उसको लीगल कर देंगे तो बेहतर तरीके से बिकेगी। आप कह रहे हैं अगर बाल विवाह हो रहा है, क्या सर इसका मतलब निकाले आप? इसका के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने हो सकता है कि भी जो ये अवैध रूप से बाल विवाह हो रहे थे कि भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें तो फिर उन परिवारों को समझा बुझा कर रोका जा सके। तो चूंकि हमने इस कानून की अभी समीक्षा नहीं की है इसलिए मैंने आपसे कहा है कि उनकी नीयत क्या है। हिमांशु जी, अशोक गहलोत का कहना है कि ये विधेयक किसी भी तरीके से ये तय नहीं करता कि बाल विवाह कानूनी वैध हमने कर दिया है, इसे आप क्या कहेंगे? हालांकि विजय जी तो कह रहे समीक्षा करने की जरूरत है, लेकिन अशोक गहलोत कहते हैं कि वैध घोषित नहीं किया, कानूनी वैध नहीं कर दिया गया। अगर अशोक गहलोत साहब ये कहते हैं तो एक प्रोविजन इतना सा डाल देते, उस एक्ट के अंदर डाल देते कि बाल विवाह को लीगलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि इससे तो यही इंफ्लुएंस निकल रहा है कि साहब बाल विवाह को लीगलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर अगर बाल विवाह लीगलाइज नहीं है तो फिर बाल विवाह इनलीगल है, तो इनलीगल चीज का रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? तीसरी बात, अगर अशोक गहलोत साहब की बात पर विश्वास भी किया जाए कि बाल विवाह को इससे लीगलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनको ये स्टेटमेंट इस लॉ के अंदर आना चाहिए था, पर एक बार तो फॉर दी सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर इस पे विश्वास भी करते हैं तो आप एक बात बताइए कि कौन व्यक्ति क्राइम करने के बाद या बाल विवाह करने के बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है? कोई नहीं जाएगा वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने। इसका मतलब ये तो एक फॉर्मेलिटी के लिए बिना बात के ये प्रोविजन इन्होंने डाल दिया गया है। और जहां तक ये कहते हैं कि समीक्षा की बात है कि समीक्षा होनी चाहिए, मेरे को लगता है इन्होंने विधानसभा में जो डिबेट हुई वो इन्होंने नहीं सुनी या उसका अध्ययन नहीं किया। विधानसभा में हमारे आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ ने साफ साफ कहा कि आप इसको विड्रॉ कीजिए, विड्रॉ इसको एक बार सेलेक्ट कमेटी में लेकर जाइए, वहां बैठकर चर्चा करेंगे। ये लोग ले जाते हैं सेलेक्ट कमेटी में, इनको इस कार्य योग्यता जी ये कैसा नियम है मैम? ठीक ठीक है, इतनी जल्दी थी कि इन्होंने सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, जिस बात का जिक्र भी हिमांशु जी कर रहे थे, योग्यता जी सवाल इस बात को लेकर है, ये कैसा नियम है? कोई कानूनन अपराध करेगा और उसके बाद जाके उसका क्या पंजीकरण कराएगा? बिल्कुल लॉजिकल है, मैं तो खुद ही ये बात बोल रही हूँ, पर एक बात मतलब नॉट ऑन द लाइटर नोट, मतलब गंभीर मुद्दा है इसलिए नहीं बोलना चाहूंगी, पर इनकी जो मनोस्थिति है सरकार की, मुझे वो भी समझनी है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है? इतना मतलब आप शासन चला रहे हैं, एक राज्य को चला रहे हैं, और इतनी बचकाना हरकत अगर आपने की है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसकी रिसर्च भी होनी चाहिए जरूर, क्योंकि हमने अपनी बागडोर इनको इनके हाथ में दे रखी है,
तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि इनके पास कोई टीम होगी जिन्होंने इसको इनको गाइड किया होगा, कोई एक्सपर्ट्स होंगे कि नहीं से तो पूछा होगा क्या पूछा है, हमें पता तो चले, हमें गलत का भी पता होना चाहिए ना, गलत की रिसर्च क्या हुई है जी, तो ठीक है। जरूरी है ना ये सब जानना। ठीक हाँ, जी, जी मेरी बहन योगिता जी जो कह रही है बिल्कुल सही बात है कि वो मनोस्थिति पता चलनी चाहिए, वो मेरे को योगिता जी को नेहा जी को ही नहीं, वो सभी पूरे समाज को पता चलनी चाहिए। पर मनोस्थिति इन्होंने साफ करने की बजाय दिल के माध्यम से इन्हें साफ करनी चाहिए थी, वो साफ करने की बजाय इन्होंने छुपा के रखी है। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई ठीक है विजय जी, क्या चीज है दिमाग में चल रही थी विजय जी कि इस तरह का एक विधेयक लाया गया, उसे पारित करा दिया गया, और सवाल इस बात को लेकर है सर, राजस्थान की जनता भी ये सवाल पूछना चाहती है, समझना चाहती है कि अगर इस तरह से जल्दबाजी में कहें या फिर बिना सोच समझे इस तरह के फैसले ले लिए जाएंगे, तो सर राजस्थान की जनता क्या अपने आप को छला हुआ महसूस करे कि एक ऐसी सरकार को हमने सत्ता सौंप दी है जो कि बिना सोचे समझे इस तरह के फैसले ले लेते हैं। देखिए निश्चित तौर पर अगर सरकार से कोई गलती हुई है तो आप मानते हैं गलती हुई है, पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि आप मानते हैं कि गलती हुई है। जी तीन बार बोल चुके हैं, आप स्पष्ट क्या करेंगे, इन्होंने तीन बार बोल दिया हम समीक्षा करेंगे और गलती हुई है, हम बार बार पूछने की बात नहीं। अगर अगर आप बार बार अगर लगा देते हैं तो इससे मैं क्या सोचूं सर, तीन बार आपने बोला कि अगर सरकार से गलती हुई है, मतलब आप क्लियर नहीं कर रहे हैं कि गलती हुई है नहीं हुई है, और गलती हुई है तो उसकी समीक्षा होगी, अगर मत लगाइए, बोल दीजिए सरकार से गलती हुई है उसको ठीक करेंगे, हम इसकी समीक्षा करेंगे, अगर गलती हुई है तो बाकायदा, फिर अगर हुई है यानी कि आप नहीं मान रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही हो गई कि इन्होंने इस विधेयक के बारे में पहले नहीं सोचा, जब पास हो गया वो अधिनियम बन गया उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम इसके बारे में समीक्षा करेंगे, सबसे बड़ी गलती तो यही है। कभी उनकी क्या मजबूरी थी जो इस कानून को लेकर आए और उसके प्रावधान बालिका को बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जी। योगिता जी जल्दी से अपनी बात करते हैं, स्टेटमेंट आ रही है समाज के साथ तो अन्याय मत कीजिए विजय कौशिक जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सोचने और समझने वाली बात है कि आखिर सरकार किस मंशा के साथ इस विधेयक को लेके आई, पारित कराया और इसको पास भी करा लिया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, नमस्कार।